ताजनगरी आगरा में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक गजब का नजारा देखने को मिला, जब कलेक्ट्रेट में जमकर नोट बरसे, यानी कि नोटों की बारिश होती नजर आई। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ निवासी हरिशंकर कलेक्ट्रेट में फरियाद देकर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में फरियाद लेकर पहुंचे हरिशंकर बंदरों के आतंक का शिकार बन गए, जिसमें हरिशंकर के हाथ से वो बैग जिसमें रुपए रखे थे उसे लेकर बंदर भाग निकले और हरिशंकर बंदरों का निशाना बन बैठे, जिसके बाद डीएम कार्यालय के ऊपर 20 फुट लंबी सीढ़ी मंगाई गई, लेकिन सीढ़ी पर चढ़कर भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कर्मचारियों को थैला नहीं मिल पाया। बताया गया है कि थैले में पैसों के साथ साथ हरिशंकर की दवाएं भी रखी हुई थी और कुछ जरूरी कागजात भी थे। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार बंदरों ने इसी तरह फरियाद लेकर आए लोगों को अपना निशाना बनाया है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर कलेक्ट्रेट में बंदरों से निजात कब मिल पाएगी और कब तक फरियादी इसी तरह बंदरों के आतंक का शिकार होते रहेंगे। गौरतलब है कि आगरा के कलेक्ट्रेट में बंदरों के शिकार का ये पहला मामला नहीं है। आए दिन बंदर यहाँ आने वाले फरियादियों को अपना निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक महकमे के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही और न्याय की आस में चौखट दर चौखट ठोकर खाने के बाद कलेक्ट्रेट पर आने वाले लोग आए दिन बंदरों का शिकार हो रहे हैं।